शाहबाद नगर के मोहल्ला सादात में फैजान मियां के आवास पर भाजपा अल्पसंख्यक की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री इमरान हैदर पहुंचे। इमरान हैदर ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को जोड़ के रखने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग अफवाह फैलाते हैं कि मुस्लिम समुदाय भाजपा के साथ नहीं है। बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों का उत्पीड़न किया है, मुसलमानों के लिए कोई भी काम नहीं किया है। आगे बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2012 के इलेक्शन में मुस्लिमों को आरक्षण देने का वायदा किया था, जबकि रामपुर में आजम खान मुस्लिमों के नेता कहलाए जाते हैं। क्या उन्होंने मुस्लिमों के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी, वायदा पूरा किया? इस मौके पर भाजपाइयों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों पर नगर की जिम्मेदारियां सौंपी और प्रमाण पत्र दिए गए। इस मौके पर सुरेश बाबू गुप्ता, विनय कृष्ण शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, मोहम्मद मियां, शेजी मियां, साबिर हुसैन, इकराम मियां बाबू, जुमा मियां, मुर्तजा अली, कादर अली, शाहविज खान, राशिद कुरैशी, इसरार अंसारी, मसरत खान, अनस अली, आसमा भी आदि लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी सबका साथ सबका विकास को लेकर के योजनाएं हैं जो मुस्लिम तक नहीं पहुंच रही हैं, रामपुर वैसे भी मुस्लिम बहुल जिला है, तो उनको लेकर के मैं यहां आया। चुनाव तो है, वो चुनाव मुद्दा नहीं है, लेकिन जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को मुसलमानों तक पहुंचाना ताकि वो उसको समझ सकें और अपना हक ले सकें। अच्छा, ये आप भी बताइए, वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम समुदाय में काफी चलता रहता है, आप खुद मुस्लिम हैं, तो वंदे मातरम कहना गलत है और सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है? भाई, मैं किसी से मुसलमान से ये तो नहीं कह रहा कि आप जाकर के मंदिर में पूजा कर लीजिए, ना किसी हिंदू से मैं कह रहा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लीजिए। मुसलमान है वो नमाज पढ़ते रहे, जो हिंदू है वो पूजा करते रहे। वंदे मातरम पूजा कोई अंग तो है नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं कि साहब हम कोई पूजा कर रहे हैं। नहीं, इसका काफी मुद्दा उठता रहता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे भाई, जो समाजवादी के लोग हैं, जो मुसलमानों को गुमराह करने वाले लोग गुमराह करेंगे ना, बसपा वाले लोग हैं वो गुमराह करेंगे ना, तो गुमराह कैसे करेंगे? एक सही चीज को गलत बताएंगे तभी तो गुमराह होंगे। मुसलमानों में तालीम आ जाए, वंदे मातरम पढ़ेंगे, वंदे मातरम समझेंगे, वो खुद पढ़ने लगेंगे, हमें उससे क्या मतलब? लेकिन हमें बुरा नहीं लगता, मुसलमानों को बुरा नहीं लगता, ये तो सब मुसलमान बैठे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। अच्छा, अल्पसंख्यक की मेरे ख्याल से पहली बैठक हुई है इस क्षेत्र के अंदर और आपने कुछ लोगों को जोड़ा भी है, तो क्या आपको लगता है कि 19 में आने वाले इलेक्शन में क्या मुस्लिम साथ देंगे, साथ होंगे भाजपा के? बिल्कुल, जो हमारा संगठन है, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, आप सभी को बताना चाहिए। माने सुनील बच्चन जी के निर्देशन अनुसार जो हमने संगठन किया है, आज हर जिले में कोई भी ताकत अगर ये सोचे कि हम मुस्लिम वोटरों को रोक, 50,000 वोट बिना मेहनत के आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मौजूद है, चाहे वो सपा गुमराह करे, चाहे बसपा गुमराह करे,